नजीर के रूपगढ़ गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों के बीच चली आ रही खींचातानी के चलते ग्राम पंचायत ने पूरे स्कूल स्टाफ के तबादले की मांग को लेकर बुधवार को धरना शुरू किया था और बच्चों को भी स्कूल नहीं आने दिया। स्कूल स्टाफ के तबादले की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार को प्रिंसिपल के तबादले के आश्वासन के बाद जाकर समाप्त हुआ। धरने के दूसरे दिन धरनास्थल पर पहुंची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सत्यवती नांदल के सामने खुद प्रिंसिपल शशि नैन ने शुक्रवार से स्कूल ना आने तथा दूसरी जगह तबादला कराने की बात कही। वहीं अन्य 6 शिक्षकों ने माफी मांगी। इससे ग्राम पंचायत सहमत हो गई और धरना समाप्त कर दिया। शुक्रवार यानी आज से कक्षाएं नियमित रूप से शुरू होंगी। जो है आपस में ही टीचरों का मनमुटाव था, जिसमें गाँव वालों को पता लग गया कि भाई यहाँ माहौल जो है ये अध्यापकों में फूट के कारण जो है वो ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने आकर जो है इनको समझाया, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। और फिर आखिर में गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि भाई अगर पढ़ाई यहाँ कम हो रही है और आपस में अध्यापक ठीक प्रकार से उनमें फूट डली हुई है, तो क्यों ना यहाँ से स्टाफ का तबादला करवा दिया जाए। तो गाँव वालों ने जो है वो इकट्ठे होकर अपना धरना चालू कर दिया। 2 दिन से बैठे हुए थे और बच्चों को नहीं आने दे रहे थे। तो कल भी समझाया गया था, लेकिन वो उस बात को नहीं मान रहे थे। आज दोबारा फिर मैंने ये कोशिश की कि भाई क्यों ना गांव वालों को मनवा कर बच्चों का नुकसान ना हो, और आज इनसे रिक्वेस्ट करके इन्हें मनाया गया, समझाया गया कि भाई बच्चों का ध्यान रखा जाएगा और इससे जो मन मुटाव स्टाफ के बीच में उसको दूर कर दिया जाएगा। ये सहमति हुई कि जी स्टाफ तो फिर भी ठीक है, तो स्टाफ में जो प्रिंसिपल है उनका उनके कारण जो थोड़ा ये डिस्प्यूट चला हुआ है, आप इस प्रिंसिपल का यहाँ से तबादला कर दिया जाए ताकि हम जो है यहाँ से इस धरने को उठा लेंगे। तो वो आश्वासन जो है स्टाफ को दे दिया गया है, गांव वालों को दे दिया है कि भाई आप जो है हम इनकी प्रपोजल बनाकर जो है वो विभाग को भेज देंगे और उनका तबादला करवा देंगे, और उन्होंने आश्वासन दे दिया और धरने को उठा लिया। प्राथमिकता में हमारी मांग थी पूरे स्टाफ के तबादले की मांग थी, लेकिन जो विभागीय अधिकारी आए उन्होंने भी इस काम के लिए असमर्थता जताई और कहा भाई एकदम से इतना बड़ा फैसला हम पूरे स्टाफ को नहीं बदल सकते, आप धीरे धीरे 2-4 चरणों में अपनी मांग को रखिए। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा प्रथम चरण में आप बताइए कितने अध्यापकों का तबादला चाहते हैं। हमने कल अपनी मांग सौंपी थी भाई हमें 7 अध्यापकों का ट्रांसफ़र चाहिए, यहाँ से तबादला चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे गाँव में हमने उन अध्यापकों से भी बात की, पूरे स्टाफ की भी मीटिंग ली, उसमें हमने 1-2 अध्यापक ऐसा भी देखा जो यहाँ काम करने वाले मेहनती अध्यापक थे जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया था। तो इसलिए हमने गांव वाले ने फिर एक दोबारा फिर मीटिंग की और जिसमें फैसला लिया कि भाई सबसे पहले जो मैंने जिसकी वजह से हमेशा झगड़ा रहता है स्कूल में, जिसकी वजह से इतना विवाद रहता है, वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं मैडम शशि नैन जी, भाई क्यों ना सबसे पहले एक बार उनका तबादला किया जाए और उसके बाद 1-2 महीना बाद जैसे छुट्टियाँ अभी शुरू हो जाएंगी, छुट्टियों के बाद फिर हम देखते हैं एक बार एक दोबारा से स्कूल का यहाँ आगे मैले उसकी सिचुएशन को चेक करेंगे, देखेंगे अगर अभी पढ़ाई की क्या पोजीशन है, अध्यापक यहाँ सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अध्यापक अपने कार्य में थोड़ी बहुत कोताही बरतता मिलता है तो दोबारा फिर हम मैले इसी तरह अधिकारियों को नोटिस में डालेंगे और तबादले की मांग करेंगे। हिंदी एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।